हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारे नु मेरी तरफों थी बहुत बहुत प्यार। क्या हाल चाल है? आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ रेखा सिंह, इस चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। लेके आ गई हूँ आपके लिए एक एंटी एजिंग रेमेडी जो आपकी स्किन को ना सिर्फ टाइट करेगी बल्कि आपकी स्किन को अपलिफ्ट भी करेगी। सलून्स में जाएंगे वहां पर आपको ये स्पून मसाज देखने को मिल जाएगी। पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं, करते हैं वो लोग, लेकिन स्किन के ऊपर ग्लो बहुत अच्छा आता है। यही मसाज मैं आपको घर पे आज बता रही हूँ किस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्या ले लेंगे जी? ऑलिव ऑयल या फिर जो भी विटामिन ई ऑयल है, ठीक है, विटामिन ई ऑयल ही आपको लेना है। अब वो जिस भी ऑयल में आपको मिल जाए, आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल हर गांव खेड़ा में मिलता है। मेरे वीडियोस आप कहां से देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको नारियल तेल सूट करता है? क्या आपने नारियल तेल अपनी स्किन पे लगाया है कभी? अगर आपको सूट करता है, कोकोनट ऑयल से बेस्ट कुछ नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं था, मेरे पास मेरा फिगारो का ऑलिव ऑयल है, आप ये यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो विटामिन ई का कैप्सूल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो बादाम रोगन जो आता है, देसी मीठा बादाम तेल जो होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। ऑयली स्किन वाले सोचेंगे क्या बता रही हो रेखा, हमारी स्किन इतनी ज्यादा ऑयली, आप ऑयल लगवा रहे हो। लेकिन बिलीव मी, एक बार आप इस मसाज को कर लो, आपको अपनी स्किन इतनी ज्यादा अपलिफ्ट और टाइट दिखेगी कि आप इसको रोज करना शुरू करेंगे। लेकिन आइडियली अगर आप इसको हफ्ते में सिर्फ दो बार कर लेते हो ना, आपकी स्किन के ऊपर आपको ग्लो और टाइटनिंग अपने आप फील होने लग जाएगी, आपको कोई बोटॉक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपने स्किन को क्लीन कर लो, और अब मैं जरा अपने बालों को बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्किन के ऊपर मैं आपको मसाज करके दिखाती हूँ। बांध लिए हैं अपने बाल, क्योंकि बालों को बांधना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग करने वाले हैं अपने फेस की ऑयलिंग, और इसमें अगर आपके बाल गंदे हो जाएंगे, मैंने वैसे भी आज ही वॉश किए हैं इसलिए काफी स्ट्रेट दिख रहे हैं, नेक्स्ट डे मेरे बाल एकदम गोल 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 घूम जाते हैं, आप लोग तो जानते हैं। देखिए मैं ले रही हूँ एक एक ड्रॉप करके। आपको करना क्या है, जहां जहां पर मैं पॉइंट्स लगा रही हूँ वहां वहां पर आपने इसके पॉइंट्स अपनी स्किन के ऊपर लगा देने हैं, ठीक है जी। इस तरीके से ये देखिए कहाँ कहाँ पे लगाए हैं मैंने, यहाँ यहाँ पर आपने ध्यान से देख लेना है। अब हमने क्या करना है, हमारी जो स्पून है इसकी बैक साइड में भी आपने जरूर लगाना है। स्पून को यूज करने से पहले आपको इसको कुछ देर के लिए फ्रीजर में रखना है जिससे कि ये ठंडी हो जाएंगी और हमारी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया से अपना काम कर पाएंगी। तो देखिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, आप देख लीजिए एक एक ड्रॉप हमने लगाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और आपकी स्किन बहुत बढ़िया से ग्लो करेगी। इस तरीके से हम पकड़ेंगे और सेम साइज का सेम स्पून लेना है आपने, बिल्कुल भी चेंज मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। टर्न करेंगे और अपनी जहां पर हमने ऑयल लगाया है वहां पर हम इसको राउंड राउंड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और ऑयल, ये स्पून आप देखेंगे बहुत ज्यादा ठंडा होगा, आपकी स्किन को ये अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। जितने भी स्टेप्स हैं पहले आप उनको गोल 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 करेंगे 4 से 5 बार, और उसके बाद ऊपर की डायरेक्शन में आपने लेके जाना है, ठीक है जी। इस तरीके से देखिए जो कान का एरिया है यहां पर आपने लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले गोल गोल घुमाएंगे और फिर ऊपर लेके जाएंगे। सेकेंड वाला पॉइंट जहां पर हमने ऑयल लगाया था, जो कि हमारे लिप्स के पास का एरिया है, यहाँ की जो हमारी लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से हल्का सा प्रेशर दे के इसको मसाज करना, ठीक है जी। ये देखिए अब ये जो नाक के पास का जो एरिया है यहाँ पर आपने गोल गोल नहीं घुमाना है, इस तरीके से करना है। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो आंखों के पास की स्किन है वो खींचेगी। ये देखिए इस तरीके से आंखों के आसपास नीचे बहुत ज्यादा हमारी जो स्किन होती है लूज हो जाती है और यहीं पर ही हमें रिंकल्स दिखाई देते हैं। ये अक्सर हमारी आंखों के नीचे की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, काफी लोगों की होती है। ये वाला जो स्टेप है वो आपकी आंखों की स्किन को खींच रहा है ऊपर की तरफ। इस स्टेप को आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा करिए अगर आपकी आंखों के आसपास की स्किन बहुत ज्यादा लूज हो गई। और जब आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हो ऊपर की तरफ, यानी कि अपने टेम्पल की तरफ लेके जाएंगे, आपने यहाँ पर होल्ड करना है, ठीक है। तो ये आपने करना है कम से कम 10 बार, और बाकी के जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ गोल गोल घुमाते हुए, इनको आप 5 बार भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारे फोरहेड की तरफ, यहाँ पर आप गोल 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 घुमाएंगे और प्रेस करेंगे थोड़ा सा खींच के। अक्सर लोगों के फोरहेड के ऊपर लाइन्स पड़ जाती है लंबी लंबी टेढ़ी टेढ़ी, तो हम क्या करेंगे गोल 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 घुमाएंगे और प्रेस करेंगे। देखिए किस तरीके से मैं खींच रही हूँ, इस तरीके से फोरहेड खींचेगा आपका और जो आपकी स्किन है वो टाइट होती जाएगी। थोड़े दिन में ही आपको दिखेगा आपकी स्किन कितनी बढ़िया से
टाइट हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये जो कुछ स्टेप्स होते हैं ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारी जो स्किन है ऑटोमेटिकली वो टाइट और अपलिफ्ट होती जाएगी, फॉर्म होती जाएगी। और स्पून मसाज जो होते हैं ये जब हमारी स्किन को टाइट कर देती है, हमारे चेहरे के ऊपर एक नेचुरल ग्लो अपने आप दिखने लगता है, ये देखिए इस तरीके से। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये रेमेडी भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। होप करूंगी कि आप इसको करने के बाद में मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे, कहां से मेरे वीडियोस को देखते हैं बताएंगे जरूर, कमेंट जरूर करके बताएंगे कैसा रहा आपके ऊपर इसका रिजल्ट।